गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आपका आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का विषय बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत सेल बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का अर्थ क्या है ये समझिए पहले। माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटोस अर्थात थ्रेड, थ्रेड अर्थात सूत्र, और कॉन्ड्रियोन, कॉन्ड्रियोन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल, कण, अर्थात इस शब्द का तात्पर्य यह हुआ कि सूत्र कणिकाएं। सूत्र कणिकाओं के रूप में हम इसको समझ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को। अब हम बात करते हैं इसकी खोज की। सर्वप्रथम कोलिकर ने वर्ष 1990 में इन्हें इंसेक्ट्स की रेखित पेशियों में देखा था। इंसेक्ट्स अर्थात कीटों की रेखित पेशियां अर्थात स्ट्रैप्ड मसल्स में, ऐच्छिक पेशियों में देखा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1882 में इन्हें फाइलिया तथा आर अल्टमान ने 1894 में बायोब्लास्ट नाम दिया था। इनकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग एवं अल्टमान को दिया जाता है। सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ये सबसे प्रमुख खोज है। सी बेंडा याद रखें, 1897 ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और सर्वप्रथम प्लांट सेल्स में एफ मिविस ने 1904 में इनकी उपस्थिति दर्शाई थी या देखी थी, ये भी एक महत्वपूर्ण खोज है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब माइटोकॉन्ड्रिया के साइज के बारे में बात करें, आकार के बारे में। इनका आकार गोलाकार, छड़ीनुमा या धागेनुमा संरचना होती है। इनकी औसत लंबाई 4-5 से 8 माइक्रोन है, और एक माइक्रोन क्या होता है, 10^-10 मीटर, 10^-10 मीटर एक माइक्रोन होता है। तो इनकी औसत लंबाई 5 से 8 माइक्रोन और व्यास जो है 0.5 से लेके 1 माइक्रोन होता है। सामान्यतः इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से 5000 तक हो सकती है। अब हम बात करेंगे इनकी संरचना का। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। माइक्रोस्टेरियाज नामक एल्गी में या शैवाल की सेल्स में एक एवं कुछ एक कोशी जीवों में इनकी संख्या 500,000 तक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। इसके बाह्य मेम्ब्रेन, बाह्य कला चिकनी और समतल होती है, जबकि अंदर की जो झिल्ली होती है अंतःकला, आंतरिक झिल्ली कई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अंगुली के समान के उभार से युक्त होती है, जो कि किरीटी या शिखी या क्रिस्टी CRISTAE कहलाते हैं। क्रिस्टी के सतह पर असंख्य संवृत कण कण होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्टार्ट पार्टिकल्स होते हैं, STALKED स्टार्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सियोसोम्स भी कहते हैं, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो क्रिस्टी होते हैं इनके अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर स्टार्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग को मैट्रिक्स कहते हैं।
सृष्टि का जो बीच का हिस्सा होता है उसको आध्यात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अंतःकला एवं बाह्य कला के बीच 6 से 8 नैनोमीटर की दूरी होती है। कृष्टि के कारण माइटोकॉन्ड्रिया की गोलाकार लग्न होता है। ये स्ट्रक्चर नेकेड होता है और इसमें जी प्लस सी की मात्रा, गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा, एडिनोनिन प्लस थाइनिन की तुलना में, ए प्लस टी का मतलब एडिनिन एवं थाइनिन, एडिनोसिन एवं थाइनिन, गुआनिन एवं साइटोसिन की मात्रा एडिनिन एवं थाइनिन की तुलना में अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने अर्थात स्वतः जनन की क्षमता होती है, सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, और यह क्षमता केवल कोशिका द्रव्य के अंदर रहकर ही होती है, स्वतंत्र रूप से संभव नहीं होती है। यह स्वतः जनन करते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में रहकर ही। अतः इनको अर्ध स्वायत्त शासी सेमी ऑटोनियमस कोशिकाएं कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल या कोशिकांग कहा जाता है। वो ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेनस होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस है, इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित पदार्थ क्या होते हैं ये समझिए। संगठन में प्रोटीन 65% से लेकर 70%, फॉस्फोलिपिड 25%, आरएनए 0.5% और कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम्स रेस्पिरेशन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। एटीपीएज नामक एंजाइम्स इसके अंदर खास तौर से पाए जाते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एटीपीएज माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ जो एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन सा एंजाइम खास होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम एटीपीएज, एटीपी कैपिटल और एएसी स्मॉल, एटीपीएज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम होता है। और अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया का इंजन भी कहा जाता है। इसमें आपसी श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। जब कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अणु एवं ऊर्जा में टूटता है। यह क्रेब चक्र ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज अणु 2 पाइरुविक अम्लों में टूट जाता है। यह क्रेब चक्र या ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज अणु 2 पाइरुविक अम्लों में टूट जाता है, जिनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होता है, जिसे क्रेब चक्र कहते हैं, KREBS क्रेब साइकिल कहते हैं। ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन, यह क्रिया ऑक्सीसोम ऑर्गेनल्स में, ऑक्सीसोम पार्टिकल्स में होती है। ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन की क्रिया कहाँ होती है, ऑक्सीसोम पार्टिकल्स में होती है, ऑक्सीसोम कणों में होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, भीतरी झिल्ली पर स्थित होते हैं। कहाँ, ऑक्सीसोम्स में होती है ये क्रिया। तो ये है इसकी खास बात है।
फिर से समझिए इस बात को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीश्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एडिनोसिन फॉस्फेट के रूप में, एटीपी के रूप में संचित रहती है। जब कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और यह क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को दो पाइरूविक एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है, जिसका ऑक्सीजेशन ऑक्सीडिनेशन होने के कारण ऑक्सीकरण एक साइक्लिक पथ के रूप में, एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के द्वारा होता है, जिसे क्रेब साइकिल कहते हैं। ऑक्सीफायर फॉस्फोरिलेशन की क्रिया, यह क्रिया ऑक्सीसोम्स पार्टिकल्स में होती है, यह क्रिया ऑक्सीसोम पार्टिकल्स में होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में भी भाग लेने वाला एक प्रमुख कोशिकांग होता है। ये इसके फंक्शंस हैं। तो ये इसका डायग्राम है, इसको आप समझिए। इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, स्मूथ है, ये अंदर की है जो निकली हुई एक क्रिस्टी कहलाती है। इसके अंदर राइबोसोम पार्टिकल्स होते हैं, इन क्रिस्टी के ऊपर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये जो क्रिस्टी के बीच में जो जगह है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो जगह है, उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ ये मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर ये जो सर्कुलर दिखाया हुआ ये डीएनए है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप करेक्ट करके पढ़िएगा। अंदर वाली झिल्ली ये है और ये बाहर वाली झिल्ली है, ये इनर मेम्ब्रेन नहीं है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और ये कौन सी है, ये ब्लू जो डॉट लगाया है मैंने, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो बाहरी झिल्ली कौन सी है, ये वाली है, और आंतरिक झिल्ली ये वाली है, इसको ऐसे करेक्ट करके पढ़िए, ठीक है। और इसी इसके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं अगले व्याख्यान में लूँगा, ये पार्ट फर्स्ट है।